इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कपिसेन संग संहार निश्चर कौन लाएगा? राम सीते ही आनी है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज जब माँ से मिले ना तो क्या बोले, अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। राम जी की सौगंध है, माँ भगवान की आज्ञा नहीं है, जामवंत बाबा ने हाथ बांध रखा नहीं तो मैं दिखाता, आप ही दिखा देता। जब बात हनुमान जी कह रहे हैं तो छोटे से हैं हो टैया भर के, छोटा बच्चा भी कोई बात सोचताह कहे ना तो उसका उत्साह वर्धन करिए। देखिए बड़ा ही बड़ा नहीं होता, छोटा भी बड़ा होता है। इस प्रसंग पर मुझे दो तीन बातें ऐसी कंठस्थ हैं, क्या होता हूँ आपको, ये मैंने बहुत देखा है राजन। अरे साहब आपको एक घटना सुनाऊं, एक बार मैंने किसी का स्कूटर चला दिया था, ये घटना है 90 की। उस दिनों जब स्कूटर वगैरह सीखो ना तो जिसका मिलता लगता है जरा चाबी दीजिए थोड़ा चला के दिखा दे, तो दिखा दिए। जब लौट के आया तो आदमी बोला, माँ बाप ने कभी स्कूटर देखा है? अब उस समय मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ा खराब लगा। फिर जब ठाकुर जी ने टाटा सुमो खरीदी तो सबसे पहले हमने उन्हीं को चाबी पकड़ाया था, क्योंकि उनको तो भूल गया, मुझे तो तब तक कंठस्थ रहा। कभी नहीं, आपने सुना होगा, मुझे कोई बता रहा था अभी पिछले साल कि आज तो महानायक हैं अमित जी, किसी के पास गए थे मुझे भी सिनेमा में रख लो, तो बोले कि बहुत लंबे हो टांग कटवा के आओ तो रख लेंगे। अब तक उस आदमी ने उनको अपने अवसर नहीं दिया कि मेरे साथ रहो। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ, किसी का भी निरादर न करिए, सेवक भी स्वामी बनने की क्षमता रखता है, किसी का अपमान न करिए। ड्राइवर का भी नहीं, नौकर का भी नहीं, सेवक का भी नहीं, अरे सेवक भी स्वामी हो सकता है। हो घूरा के दिन भी 12 साल बाद बहुरते हैं हो। क्या कोई सूत्र है ना, दैवो न जानात कुतो मनुष्यम। हाँ आपको याद है, हमको याद नहीं है। तो वो पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानात। अब ये पुरुष का भाग्य कब, जीव का भाग्य कब परिवर्तित हो जाए तो भगवान ही जानता है, जीव के बस का नहीं है। मैंने सुना है कोलकाता में कोई मैनेजर साहब किसी होटल के वर्तमान में मालिक हैं। नाओ कोई होटल है यहाँ पर कल कोलकाता में, तो कब परिवर्तित हो जाए कुछ नहीं कहा जाए। किसी का निरादर मत करिए, जिसका जो कार्य है वही करे। जामवंत बाबा कहते हैं राम सीते ही आनी है, माता जी को प्रभु लाएंगे। हम लोग तो बस खेल खेल के लिए, कपिसेन खेल के लिए। ध्यान रखिएगा, रावण के समाज का वध करने में और कोई सक्षम नहीं है, केवल भगवान सक्षम है। तो श्री हनुमान जी महाराज की आज्ञा हो गई, और आगे के कांड का नाम है सुंदर कांड। सुंदर कांड अति सुंदर है। देखिए हर कांड की अपनी अपनी महिमा है। किष्किंधा कांड की क्या फलश्रुति है, भव भेषज रघुनाथ सुनहि जनर तिन कर सकल मनोरथ से त्रिसिरा। सकल मनोरथ त्रिसिरा केरी प्रभु राम, सब मनोरथ सिद्ध करेंगे। ये है राम कथा, भव रोग की दवाई है। हो भव भेषज रघुनाथ जस, जो सुनेगा उसका मनोरथ सिद्ध होगा। सुंदरकांड में प्रभु माँ का, माँ को प्रभु का संदेश प्राप्त हुआ पाए, सुंदर है।
पूरी कथा पूरा घटनाक्रम सुंदर पर्वत पर भया सो गोस्वामी जी ने नाम रखा सुंदरकांड। श्री हनुमान जी को भगवान और मैया से संबंध भाव प्राप्त हुआ इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है। ऐसी मान्यता है, लोक मान्यता, कि सुंदरकांड जो पढ़ता है उसका सब सुंदर हो जाता है। सीता मैया सुंदर, राम जी सुंदर, हनुमान जी सुंदर, भक्ति सुंदर, संदेश सुंदर, कथा सुंदर, लीला सुंदर, निर्माण सुंदर। क्या कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, सब सुंदर है। सुंदरे किम न सुंदरम, सब सुंदर। 60 दोहे का यह कांड है। है क्या, भगवान के शांति मूर्ति का स्मरण करते हैं बाबा, भक्ति की प्रार्थना करते हैं। कितने बजे तक करना है भैया? 7 किनको किनको सुंदरकांड याद है? अच्छा, कौन कौन सुंदरकांड पढ़ते रहते हैं? अरे फिर क्या सुनाना सुंदरकांड, आधे लोग तो पढ़ते ही हैं, तो जो पढ़ते हैं वो बगल वालों को समझा दें, यही तो कथा है। सुंदरकांड की कथा कितना भी कम करो अधिक करो सब लोग जानते, मूल मूल भाव समझिए। देखिए, सभी कांडों का नाम स्थान प्रधान है, स्वरूप प्रधान है, लीला प्रधान है। उत्तरकांड व्यवहार प्रधान है, सारे प्रश्नों का उत्तर उत्तरकांड। भगवान की बाल लीला अधिक है और इष्ट देव भी है। दबाव बहुत है, बहुत बॉक्सी को हल्का करो थोड़ा, नारायण इको से थोड़ा हल्का करो बेटा, नारायण। तो सुंदरकांड, बाल कांड, श्री अयोध्या कांड, कथा वहीं से प्रारंभ हुई, वहीं आके विसर्जित हो गई। अयोध्या कांड, ठाकुर वन में है, अरण्य कांड, जाएं तो जाएं कहाँ, चिंतन चातुर्मास्य किष्किंधा कांड, सब सुंदर सो सुंदर कांड। लोग पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, छपवाते भी हैं, बांटते भी हैं, और कोई कांड लोग नहीं बांटते हैं, सुंदर कांड बांटते ही रहते हैं। हम जहाँ रुके हैं बाबू राम मनोहर जी के यहाँ, वो पंडित जी नित्य सुंदर कांड करते, नित्य सुंदर कांड, और धीरे धीरे नहीं करते, जोर से करते, बड़े प्रेम से करते। क्यों, क्या फल है? श्री हनुमान जी सुनते, ध्यान रखिएगा, सुंदर कांड श्री हनुमान जी को नहीं, श्री सीताराम जी को परम प्रिय है। क्यों? श्री हनुमान जी की दिव्य कृति है इसमें, इसलिए भगवान को सुनाइए। और जिस प्रकार हम आप अपने बच्चों की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री सीताराम जी भी हनुमान जी की गाथा सुनकर प्रसन्न होते हैं। ये व्यवहार है, किसको अच्छा नहीं लगता है? अब जब हम कहीं जाते हैं, राजन कथा करके आते हैं, लोग कहते हैं राजन जी बहुत अच्छी कथा करते हैं, मैं कहते हैं हाँ करते होंगे, अच्छी बात करते होंगे। मानस में कलयुग के ज्ञानियों की अलग परिभाषा है, सोई सयान जो परधनहारी। दूसरे का द्रव्य कैसे अपने पॉकेट में आवे कलयुग में, उसको ज्ञानी कहा गया है। अरे बड़े ज्ञानी हैं, देखिए ना कैसे फेरते हैं हाथ, ये ज्ञानी नहीं, ये ज्ञान थोड़ी है, ये तो मूढ़ता है। क्यों, हम जो फेर रहे हैं ना, मैं बार बार ये बात रखता हूँ, ये ज्ञान नहीं है। यहाँ क्या ज्ञान है? श्री हनुमान जी महाराज विषम परिस्थिति में कैसे हम अपना कार्य संपन्न कर सकें, यह व्यवहार जिसको पता है वह ज्ञानी है। कब जागना है और कब भागना है, हाँ तो इसलिए तो आपका मंत्री लगे नहीं रखे हम लोग। ज्ञान कौन,
विषम परिस्थिति में भी अपनी सहजावस्था में रहकर और कार्य संपन्न करे ज्ञानी। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नाम। इसलिए वंदना में बाबा ने बालकांड में कहा, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरौ कपीश्वरौ। विशुद्ध विज्ञान संपन्न है कौन? श्री हनुमान जी महाराज। अब प्रभु ने पूछा, आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। दूसरा व्यक्ति होता तो अपनी कथा, मैं सुग्रीव जी का सेवक हूँ, नाम है हनुमान, तो आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं। ले हो गया काम, प्रभु पहचान परेउ गही, काम समाप्त। अरे श्रेष्ठ से ज्यादा बतरेस नहीं करना, अपने से श्रेष्ठ से बहुत ज्यादा फंस जाएंगे, पकड़ में आ जाएगी बात। शांत रहना है। ज्ञान इनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। श्री हनुमान जी में वो सारे गुण हैं जो पुत्र में होता है, जो श्रेष्ठ में होता है, जो दास में होता है, जो सेवक में होता है, जो भक्त में होता है, जो सब में हो नहीं होता वो हनुमान जी में होता है। ये तो कौन पूछता है हो, आप बताइए। श्री हनुमान जी ऐसे देव हैं हो जिनका एक युग केवल त्रेता में राम जी के अवतार के समय प्रताप नहीं है, चारों युग पर ताप तुम्हारा। सतयुग में दिव्य लोक में, त्रेता में भगवान के सिर चरण में, द्वापर में कन्हैया के ध्वज पर, रथ पर ध्वज चिन्ह के साथ, और कलयुग में कथा तो क्या, घर घर में श्री हनुमान जी। ऐसा कोई नगर नहीं जहाँ हनुमान जी नहीं, चारों युग में प्रताप। ये सकल गुण निधानम। श्रेष्ठ हैं सुग्रीव जी, वानरों के राजा हैं सुग्रीव जी, लेकिन वानराणाम धीशम, वानरों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो हनुमान जी। श्रेष्ठत्व छिपता नहीं है। अच्छा, श्रेष्ठ को बताना भी नहीं पड़ता कि हम श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ यदि बताएगा तो श्रेष्ठ नहीं रह जाएगा, वो बेचारा निकृष्ट हो जाएगा, लोग निंदा करना प्रारंभ करते हैं। बताना क्या, श्रेष्ठ को बताना नहीं पड़ता। वानराणाम अधीशम, वानरों के अधीश हैं हनुमान। रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के अति लाडले हैं। कितने लाडले हैं कथा में आप स्मरण करेंगे। राजपुत्र श्री हनुमान जी को नमन करते हैं बाबा, आइए दर्शन करते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।